प्रेज लॉर्ड हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सभी शक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया, मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 नवंबर 27 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सभी शक्तिमान प्रभु की स्तुति करें और आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद, 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 आमेन, हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज रात को भी हमें परमेश्वर ने अच्छी नींद दी, आरोग्य के साथ हमें आज जगाया है, उसके लिए हम हाथ उठाकर धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद पिता, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद पिता। आपने हमें संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ थे, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपने समाधान के साथ हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु आज के दिन हमें अद्भुत तरीके से अपनी कृपा से हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया, प्रभु आप ही अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। प्रभु आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद। प्रभु आप हमसे प्यार करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रतिदिन हमें जिस तरीके से, अद्भुत तरीके से आप हमें चलाते हैं, उस कृपा के लिए धन्यवाद पिता। जैसे संगीतकार भजन संहिता 54 में कहते हैं, हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। और 4 वचन कहता है, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। 6 वचन, मैं तुझे स्वच्छ बलि चढ़ाऊंगा, हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि यह उत्तम है। 7 वचन, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। आमेन, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं, पिछले दिन और रात आपने हमें अद्भुत तरीके से हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आप हमें जय के उत्सव में आज के दिन हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह के नाम से उनको आशीषित करते हैं। व्यक्तिगत तौर से उनकी जो भी जरूरतें हैं प्रभु आप उनको जानते हैं, उसमें आप अद्भुत कार्य करें प्रभु। उनके विषय में आप छुटकारा उनको आप दे पिता। जिस भी बात से वो भार से है, निराशा से है पिता, दर्द से है प्रभु, जो भयभीत है पिता, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से एक दिव्य प्रवृत्ति इनके विषय में हो। आमेन, हालेलुया। प्रभु आपके बच्चों के दिल में जो भी बात उनको व्याकुलित करता है, जो भी चिंता उनको परेशान करता है, यीशु मसीह के नाम से वो बाहर निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से उनमें समाधान बना रहे, दिव्य समाधान हो। हालेलुया, हर एक रोग के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। जो भी आंखों में परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। नाक में वैसे ही जो भी रोग से पीड़ित है और ऑपरेशन चाहिए बोला है, यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चंगाई उनके शरीर में प्रवर्तित हो। उनके नाक में आपने चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद। सांस लेने में आप उनकी सहायता करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपका हाथ उनके ऊपर है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। आपने चंगाई जो दी है, ब्लीडिंग यीशु मसीह के नाम से रुक जाए। हालेलुया, खत्म हो जाए। अब ना अब वो वैसा परेशानी ना हो, हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाए। हालेलुया, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आर्थिक विषय में जो भार से है, आप उनको छुटकारा दे पिता। हालेलुया, नौकरी के विषय में आप अद्भुत कार्य करें। शादी की उम्र से जो है, आप उनको सही समय में उनका शादी करके देते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया पिता, दुनिया भर में प्रभु आप अभिषिक्तों को इस्तेमाल करें, आपकी महिमा से भर दे प्रभु हर एक जन को। प्रभु आपकी भूख और प्यास से बढ़ा दे पिता, आपसे करीब होने की जो चाहत है इस दुनिया भर में हो। प्रभु आपकी महिमा से दुनिया भर में भर जाए, जिस तरीके से समुद्र में पानी से भरा हुआ है, वैसे भूमि में आपकी महिमा से भर जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी पीढ़ी में हम देख पाए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया और धन्यवाद करते हैं प्रभु। आने वाले 3 दिनों की मीटिंग को भी आप महिमा से भरते, उसके लिए धन्यवाद पिता। सारादर और महिमा पिता आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे, परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में आप भरपूरी से अनुभव करें। हालेलुया, और याद रखे आने वाले दिनों में, कल से जो है 3 दिन का प्रार्थना का मीटिंग रहेगा। हालेलुया, तो हम वहां पे सीखेंगे
पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में। हालेलुया। तो वरदान में जो भी हमें परमेश्वर देते हैं उसको प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हुए इच्छा के साथ आए। अगर आप उपवास के साथ आना चाहें तो उपवास लेते हुए आए। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में असाधारण कार्य करेंगे, हम पर पवित्र आत्मा में आश्रय रखते हुए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। लूका की किताब 8वां अध्याय उसका 20 और 21, उसमें लिखा है, और उससे कहा गया कि तेरी माता और तेरी भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। हालेलुया। और 21वां वचन कहता है, उसने उसके उत्तर में उनसे कहा कि मेरी माता और मेरे भाई ये ही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। तो हम यहाँ पे ये जो परिस्थिति अगर हम समझे ऊपर से लेके हम पढ़े तो हम जान सकते हैं कि यीशु मसीह बहुत ही ज्यादा व्यस्त है, बहुत सारे लोग उनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं और वहां पर यीशु मसीह के माता और भाई लोग आते हैं। तो कुछ लोग आके उनको बताते हैं कि तुम्हारी माता और भाई आए हुए हैं। तो उससे हम जान सकते हैं कि यीशु मसीह को जो जन्म देने वाली माता और भाई लोग उनके साथ है और उनके थे करके हम सीखते हैं। यहाँ पर यूहन्ना की किताब 7:3 में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, ये उनको भाई लोग है करके। हालेलुया। और इसलिए जैसे कि 7 में लिखा गया है कि अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा। हालेलुया। और इसलिए हम पढ़ते हैं कि यहाँ से तुम निकल जाओ करके वचन कहता है। तो ये सब चीजें हमें सिखाता है कि यीशु मसीह को माता थे, एक परिवार थे। हालेलुया। इस दुनिया में एक परिवार था लेकिन उनसे परमेश्वर कि आत्मा के द्वारा यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, वचन को सुनते हैं, वो मेरे माता और मेरे भाई लोग हैं। हालेलुया। तो ये संदेश या ये जो भाग से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हमेशा हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हो और परमेश्वर के आवाज़ को सुन के मानने वाले हो। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के आवाज़ को सुनने वाले होते हैं और वचन को अगर हम जब मानते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बड़े आशीष का कारण और परमेश्वर के लिए सबसे प्रियजन हम बनते हैं। हालेलुया। हमारा जो रिश्ता जो है वो माता और भाई के बराबर का हो जाता है। हालेलुया। आमेन। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनकर मानने वाले ही परमेश्वर के भाई और उनके माता के बारे में कहा जाता है। हालेलुया। इसलिए एक मसीही जीवन जीने वाले हर एक जन के लिए सबसे प्रधानता क्या देता है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले हो। जिस तरीके से एक मनुष्य के लिए आहार खाना, भोजन खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे ही परमेश्वर का वचन जितना हम खा सके, जितना भी हम उसमें मनन कर सके, हम पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ हम आगे तभी बढ़ सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन के अनुसरण करने वाले ही परमेश्वर को सबसे प्रियजन है। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार के 12वां अध्याय में अगर हम देखेंगे तो वहां पर क्या देखा जाता है। हालेलुया। वहां पर यीशु मसीह वापस पूछते हैं कि कौन है मेरे माता और मेरे भाई लोग। हालेलुया। तो वहां पे लिखा है अंतिम वचनों में कि और कौन है मेरे भाई, और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। हालेलुया। और भी आगे के वचनों में हम पढ़ते हैं कि जो भी परमेश्वर के वचन को मानकर जो प्यार करते हैं उनको मैं भी प्यार करता हूँ, पिता भी प्यार करते हैं, और मैं उनके साथ वास करूँगा और परमेश्वर अपने आप को उनके सामने दिखलाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को प्यार करके, स्नेह करके हम वो वचन को मानने वाले, सुनने वाले हो। परमेश्वर के वचन आवाज़ को सुनकर हम जब मानते हैं तो वही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ और आशीषित कार्य होता है। हालेलुया। इससे सबसे ज्यादा प्रधानता हम परमेश्वर के वचन के लिए हम दे। हालेलुया। इसके लिए अगर हमें बहुत मेहनत करना हो तो मेहनत करें। हालेलुया। एक भी दिन ऐसा ना जाए कि हम वचन को सुने या वचन को ना पढ़े, हम ना जाए। हालेलुया। जब वचन हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो परमेश्वर वचन को नहीं सुन रहे हैं उसका मतलब। हालेलुया। और इसलिए
इसलिए हम अपने जीवन में दिव्य प्रवृत्तियों को हम नहीं देख पाते हैं। इसलिए आज के दिन यीशु मसीह के नाम से याद दिलाते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले और परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले और अपने जीवन में प्रवृत्ति मिलाने वाले बने और परमेश्वर से सबसे करीब और उनसे उनके प्रियजन हम बन जाए। हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसे एक भी दिन हो कि हम ना पढ़े, हमेशा हम जितना हो सके अच्छे से हम पढ़ने वाले हो वचन को। हालेलुया। मेरे साथ कहे यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।